पाटेकर और उत्कर्ष शर्मा की फिल्म वनवास का टीजर अभी अभी हमने देखा, जो बराबर 11 बजे आया, और ये देखकर हमें रणबीर कपूर की एनिमल की याद आई। और अब हम एनिमल वाले रणवीर जी की पीठ भी थपथपाने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि हमने कोई सस्ता नशा कर लिया है क्या जो ये सब कह रहे हैं। हाँ, हम जानते हैं कि वनवास तो एक इमोशनल फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है, उसमें एनिमल जैसी वायलेंट फिल्म की याद कैसे आ सकती है। सवाल एकदम सही है, पर क्या है ना, वनवास बाप और बेटे के रिलेशनशिप पर बनी फिल्म है और एनिमल भी बाप और बेटे के रिलेशनशिप पर बनी ही फिल्म थी। पर फर्क बस इतना है कि एनिमल में जहां बेटा अपने बाप को बचाने के लिए दुनिया जला दूंगा, दुनिया मिटा दूंगा कहकर एक जंगली जानवर बनता है, वहीं दूसरी ओर इस टीजर में ये बेटा अपने बाप के लिए दुनिया क्या, खुद उसे ही जला रहा है। मतलब उसे जीते जी मार रहा है शायद। तो 1 मिनट 28 सेकंड के इस टीजर को अगर आप ध्यान से देखो तो पहले तो हमें अनिल शर्मा का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जो 30 सेकंड तक तो खुद ही तारीफ कर रहे हैं। और उसके बाद हमें एक अच्छा सा व्यू दिखाया जाता है जो वाराणसी का है, जिसमें भक्तगण दिखाए गए हैं, कोई बड़ा कोई त्योहार है ऐसा दिखाया है, जिसमें बाप बने नाना पाटेकर कहीं गुम हो चुके हैं और वो अपने बेटे यानी उत्कर्ष को ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद हमें उत्कर्ष की झलक दिखाई जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नाना पाटेकर की फोटो को हार चढ़ाया है, यानी कि वो मरे हैं ऐसा दिखाया गया है, जबकि अगले फ्रेम में वो जिंदा भी दिखाई दे रहे हैं। और ये कोई भूत वाला मामला नहीं है दोस्तों, बल्कि ये जिंदा ही होते हैं। फिर आखिर सीन में नाना पाटेकर अपने बेटे से कहते हुए नजर आते हैं कि जब तू पैदा हुआ था तब 10 इंच का था, अगर तभी मैं तुझे कचरे के कूड़े में फेंक देता तो क्या होता। वैसे ये लाइन सुनने के बाद और उनका एंगर देखने के बाद वेलकम का उनका ही डायलॉग बोलने में हमें मन किया, कंट्रोल उदय कंट्रोल। अब कंट्रोल करने के लिए कहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उनका गुस्सा और उनके शब्द सामने वाले को बिना हथियार के ही नंगा कर देते हैं। खैर, पर जहां उनका ये गुस्सा दिखता है वहीं उनके इमोशंस, दर्द और सवाल भी दिखता है कि मेरा बेटा अपने बाप को खुद से दूर कैसे कर सकता है। वैसे पर ये स्टोरी देखने के बाद तो हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ये बागवान 2 तो नहीं है, क्योंकि उसमें भी तो बच्चे ऐसे ही करते हैं अपने माता पिता के साथ। वैसे ओवरऑल ये टीजर बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, और हमें एनिमल और उदय की याद तो आई पर गूज बम्स तो नहीं आए, क्योंकि ऐसी कोई बात तो थी ही नहीं इसमें। और कुछ लोगों को तो डर ही जाग उठा कि भाई नाना पाटेकर तो ठीक है और उस टीजर में सोनू निगम की आवाज और मिथुन का म्यूजिक सब अच्छा है, पर कहीं उत्कर्ष की वजह से फिल्म फ्लॉप ना हो जाए। तो कुछ लोगों का सजेशन भी आया कि भाई अपनी डेट चेंज करवा लो, पुष्पा भाव के सामने आपका चिराग नहीं जलने वाला, क्योंकि वनवास 20 नवंबर को आने वाली है, जो कि पुष्पा 2 का ग्रैंड इवेंट ग्रैंड वीक चल रहा होगा उस टाइम पे। वैसे इस फिल्म की स्टोरी तो बहुत सिंपल है और प्रिडिक्टेबल भी, तो इसका पुष्पा भाव के सामने क्या होगा ये तो भगवान जाने। खैर, आप एक बार टीजर देख लो और आपको इसका टिकट निकालने का मन करेगा या नहीं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाई टू 8828 5888।